हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हरी फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एंटी अस्थमेटिक ड्रग की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आने वाले हर नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं एस्थमेटिक ड्रग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स क्या है। तो पहले शुरू करते हैं उसके डेफिनेशन से। द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट ब्रोंकल अस्थमा आर कॉल्ड एज एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। यानी कि जो ड्रग्स ब्रोंकल अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है उसे हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ब्रोंकल अस्थमा को हम मेनली 5 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स, ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स एंड एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी। ओके, तो अब देख लेते हैं इसके एक एक करके इसके सब टाइप्स के बारे में और इसके कुछ एक्शंस के बारे में। तो पहला है ब्रोंकोडायलेटर्स। ये ब्रोंकोडायलेटर जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, जैसे कि ब्रोंको एंड डायलेटर्स। ओके, तो ये क्या करता है, ब्रोंके को डायलेट कर देता है। यानी कि जो ड्रग्स हमारे डायरेक्टली ब्रोंके को ब्रोंके पर एक्ट करके उसे डायलेट कर देता है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट होने में रोकता है, उसे हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स को फिर से सब क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि बीटा टू सिंपथोमिमेटिक्स, उसमें एग्जाम्पल है सालब्यूटामोल, टर्बुटालिन, बेमुटेरॉल, सेमिटेरॉल, फॉर्मिटेरॉल एंड एफिड्रिन। ओके, तो अगला सब क्लासिफिकेशन है मिथाइल ज़ैंथिन्स। ओके, तो उसमें एग्जाम्पल है थियोफाइलिन एंड अमाइनोफाइलिन। ओके, तो तीसरा सब क्लासिफिकेशन है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, इसका एग्जाम्पल है इप्राटोनियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोमियम ब्रोमाइड। ओके, तो ये था कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स के ड्रग्स के बारे में, जो कि ब्रोंकाई पर एक्ट करके उसे उस ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट होने से रोकता है। ओके, तो दूसरा क्लासिफिकेशन है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। ओके, तो जान लेते हैं पहले ल्यूकोट्रिन के बारे में। ल्यूकोट्रिन एक इन्फ्लेमेटरी रिएजेंट है जो कि हमारे ब्रोंकाई पर एक्ट करके उसे इन्फ्लेम कर देता है, यानी कि उसके डायमीटर को इंक्रीज कर देता है। ओके, ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट जैसे कि मोंटिल्यूकास्ट एंड ज़फिरलुकास्ट जैसे ड्रग्स को हम एडमिनिस्टर करके इस इन्फ्लेमेशन को, यानी कि इस ल्यूकोट्रिन के एक्शन को हम इनहिबिट कर सकते हैं। ओके, तो अगला क्लासिफिकेशन है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि जो हमारे मास्ट सेल के सरफेस पर जो रिसेप्टर है, यानी कि IgE रिसेप्टर है, उसके साथ कोई एलर्जेंस बाइंड होकर इस मास्ट सेल के सरफेस को ब्रेक करके अंदर के ग्रैन्यूल्स को भी ब्रेक करके हिस्टामाइन यानी कि इन्फ्लेमेटरी रिएजेंट को रिलीज करता है, जिसके जरिए हमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। ओके, तो अगर हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स यानी कि जैसे कि सोडियम क्रोमोगाइलेट एंड कीटोटिफिन को एडमिनिस्टर करके इस मास्ट सेल के सरफेस को हम स्टेबलाइज कर दें, तो जो मास्ट सेल का सरफेस है उसका ब्रेक होने का चांसेस भी कम हो जाएगा, जिसके जरिए हमारे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का चांस भी कम हो जाएगा और ब्रोंकल अस्थमा अकर नहीं होगा। तो अगला क्लासिफिकेशन है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। ओके, तो इसमें कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ओके, इसमें हम कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स को सिस्टमिक एंड इनहेलेशन रूट के जरिए इसे हम एडमिनिस्टर करते हैं। सिस्टमिक रूट में क्या क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रिडनिसोन, और इनहेलेशन रूट से हम जैसे कि बेक्लोमिथासोन, डाइप्रोपेनोएट, ब्यूडोसोनाइड, फुलटिकासोन, प्रोपेनोएट एंड फुनिसोलिड और साइसिलोनाइड जैसे ड्रग्स को हम एडमिनिस्टर करते हैं ब्रोंकल अस्थमा को इनहिबिट करने के लिए। ओके, तो अगला क्लासिफिकेशन है एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी। तो हमने देखा है कि कैसे मास्ट सेल के ऊपर जो IgE रिसेप्टर रहता है उसके साथ एलर्जेंस बाइंड होकर कैसे मास्ट सेल के सरफेस को ब्रेक करके और ग्रैनुल्स को डीग्रैनुलेट करके उससे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को रिलीज करते हैं। अगर हम IgE यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई रिसेप्टर को हम स्टेबलाइज कर दें तो एलर्जेंस क्या होगा उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा और ग्रैनुल्स जो है वो डीग्रैनुलेट नहीं होगा और उससे इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी रिलीज नहीं होगा, जिससे कि हमें ब्रोंकल अस्थमा भी नहीं होगा।
तो इस क्लास के जरिए जो मेन ड्रग है एडमिनिस्टर किया जाता है वो है ओमालिजुमाब। ओके,